बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ खोए की खीर और पूड़ियों की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर हमने खोया लिया है, एक गिलास दूध, गूंदा हुआ आटा, शक्कर, काजू बादाम, पिस्ता, इलायची पाउडर। हमने यहाँ पर गूंदा हुआ आटा लिया है। अब हम इसको बेलकर पूड़ियाँ बना लेंगे। हम पहले खोए की खीर तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था। दूध बॉईल हो गया है, शक्कर डाल देते हैं, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को फुल कर देते हैं। अब हम इसमें ये खोया डाल देते हैं। अब हम इसको फुल फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख देते हैं। खीर बनकर तैयार हो रही है। हम जब तक रोटी बेलकर उसकी पूड़ियां तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसको पूड़ियां कट करके ले लेते हैं इस गिलास की मदद से, या फिर आपके पास कोई और ढक्कन हो तो आप उससे भी कट करके ले सकते हैं। इसी तरह से आप पूरी पूड़ियों को कट करके निकाल लें। यहाँ पर खीर बनकर तैयार हो रही है। अब हम उसको मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं और पूरियां फ्राई कर लेते हैं। हमने पूरी पूरियों को बनाकर निकाल लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम उसमें ये पूरियां डालकर फ्राई कर लेते हैं। अब ये पूड़ियों को हम निकाल लेते हैं और सारे ही पूड़ियां ऐसे फ्राई करके निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं बहुत अच्छी पूड़ियां बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत फुली फुली पूड़ियां बनी हैं। तो लीजिए, पूड़ियां बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खोया की खीर और फुली फुली पूरियां तैयार हो गई हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है खोया की खीर और फुली हुई पूरियां। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।